हेलो फूडीज, मैं कोमल दादवानी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल फूड मैजिक बाय कोमल में। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है वेज नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते वैसे तो मैक्सिमम नॉनवेज से बनाए जाते हैं, बट आज हम यहाँ वेज नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे जो बिल्कुल एक लुक के होंगे, जस्ट लाइक दैट। सी, एकदम एक का लुक है हमारे कोफ्तों का, समथिंग डिफरेंट। अगर आप मलाई कोफ्ते खा के, प्लेन कोफ्ते खा के बोर हो चुके हैं तो मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, वेज नरगिसी कोफ्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेज नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं, उन्हें ग्रेट कर दिया है। अब इन आलू में हम ये ब्रेड मिक्स करेंगे। ये ब्रेड्स लिए जिसकी मैंने साइड्स हटा दी है। वाइट ब्रेड लिए, मैदे की ब्रेड, क्योंकि इसमें हमें ऊपर का लुक थोड़ा वाइटिश चाहिएगा। ब्राउन ब्रेड मत डालिएगा इसमें, वाइट ब्रेड ही यूज़ कीजिए। इसे मैं अच्छे से क्रश कर देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मेरी 8 से 10 ब्रेड, छोटी थी मेरी ब्रेड, वो 8 से 10 ब्रेड क्रश्ड हो चुकी है। ये अब मैं इसे आलू का जो मिक्सचर है उसमें डालूँगी। ग्रेटेड आलू में मैं अपनी ब्रेड क्रश करके डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये अदरक के टुकड़े को मैं अच्छे से ग्रेट कर दूंगी। क्रश्ड जिंजर आपको लेना है, उसके साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट, और ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्ची है तो बेटर, अदरवाइज आप ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पीसी हुई काली मिर्ची। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि सारे मसाले मेरे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसे आटे की तरह बिल्कुल डो रेडी करना है। देखिए कितना टाइट है मेरे आलू का मिक्सचर, ब्रेड की वजह से अच्छा इसे बाइंडिंग मिल गया है, जो हमने इसमें ब्रेड डाली थी क्रश करके उसकी वजह से अच्छा बाइंडिंग मिल चुका है इसे। अब मैं एक प्लेट पर, ये मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड पनीर, 1 कप पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ट्यूरमेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये थोड़े से मेरे पास कैशू के पीसेस हैं टुकड़े, काजू, किशमिश, आपको जो पसंद हो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें हम और डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पर भी अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च है तो यूज़ वाइट पेपर पाउडर, नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इस तरीके से अपने हाथों की हेल्प से इसकी छोटी छोटी सी हमें बॉल्स बना लेनी है। ये हम हमारे कोफ्ते का स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। ये इस तरीके से इसे हमने राउंड शेप दे दिया। इस तरीके से हमें सारे पनीर के छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लेने हैं। ये हमारी सारी बॉल्स रेडी है। अब ये जो हमने आलू का मसाला बनाया था उसे अपने हाथों पर अच्छे से फैला दूंगी और उसके अंदर मैं अपने पहले हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से, ताकि ये मसाला मेरे हाथों पे चिपके ना। कि इस तरीके से आलू के मसाले को फैला कर अब इसमें एक बॉल रख के इसे राउंड शेप दे दूँगी। इसे बॉल का शेप दे देना है हमें, कि इस तरीके से इसे अच्छे से पैक कर दिया ताकि हमारा पनीर का बोल बाहर ना आए, पनीर का मसाला बाहर ना निकल पाए। अच्छे से इसे अपने हाथों की हेल्प से, हल्के हाथों से आपको इसे बोल का शेप दे देना है। अब इसी के ऊपर ऑयल ग्रीस कर देना है। ऑयल ग्रीस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी बोल्स पे आपको कंप्लीट करके ऑयल ग्रीस करना है। ये इस तरीके से मैं अपनी सारी बोल्स रेडी कर लूँगी और लास्ट में थोड़ा सा ऑयल भी ग्रीस कर दूँगी। ये मेरी सारी बॉल्स बनके रेडी हैं फ्राई होने के लिए। बट सबसे पहले, फ्राई करने से पहले हमें एक प्रोसेस करना है। ये मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैं अपनी बॉल्स को, ये ऑयल इस पर अच्छे से ग्रीस है तो ये कॉर्नफ्लोर इस पर चिपक जाएगा, इसलिए मैं इन कॉर्नफ्लोर में से कॉर्नफ्लोर से इसे कवर कर दूँगी इस तरीके से।
सारी बॉल्स को मैं कॉर्नफ्लोर से कवर कर दूंगी, क्योंकि हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया था, कॉर्नफ्लोर इस पर अच्छे से चिपक जाएगा। ये इस तरीके से एक लाइट कवर देना है हमें कॉर्नफ्लोर का हमारी बॉल्स पे। अब हमारी बॉल्स फ्राई करने के लिए रेडी है। मैंने तेल गरम करने रख दिया था। ये एक एक करके मैं अपनी सारी बॉल्स कढ़ाई में डाल दूंगी। ध्यान रखिए कि ये बॉल्स एक बार थोड़ी फ्राई हो जाए एक साइड से, उसके बाद ही इन्हें पलटाइएगा। डालते ही अगर आप पलटाएंगे तो आपकी बॉल्स टूट सकती है या ख़राब हो सकती है, आपके अंदर की बॉल्स के अंदर की स्टफिंग ख़राब हो सकती है। इसलिए ये देखिए, मेरी एक तरीके से एक साइड से मेरी बॉल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इन्हें पलटाऊँगी। ये हमारे कोफ्ते रेडी होने वाले हैं। अच्छे से इन्हें पलटा लेती हूँ। दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर देते हैं। ये हमारे दूसरी साइड से भी बॉल्स फ्राई हो चुकी है, हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है इन पर। अब मैं अपने कोफ्ते को एक प्लेट पे निकाल लूँगी। ये हमारे कोफ्ते तो रेडी हैं। अब हमें ग्रेवी की प्रिपरेशन करनी है। ग्रेवी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे, इसे थोड़ा गर्म करेंगे। अब हम इसमें हमारे सूखे मसाले डालेंगे। ये जीरा है, तेजपत्ते, 2 लाल मिर्ची सूखी हुई, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ली है हमने। सबसे पहले हम जीरे को डालेंगे। 1 चम्मच जीरा हमने यहाँ लिया है। ये जीरा थोड़ा तड़कने लगे उसके बाद हम हमारे बाकी के मसाले डालेंगे, सूखे मसाले। ये एक एक करके हमने हमारे सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें। मसालों को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस डाल के एक बार अच्छे से इसे घुमा दीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास ये 2 प्याज हैं हमने ग्रेट करके रखे थे, या पीस लीजिए, 2 पीसे हुए प्याज हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे, या पिंक होने तक, थोड़े से ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। प्याज का मसाला हम भून लेंगे। हमारा प्याज का मसाला भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को भी थोड़ा हम ऑयल में सोटे करेंगे। ये हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये हमने 2 चम्मच कसूरी मेथी ली है। इसको हमें तेल में ही डालना है। पहले हमें कसूरी मेथी डालनी है, उसके बाद हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि कसूरी मेथी तेल में डालने से जो सूखी हुई होती है उसका फ्रेग्रेंस इन्हेंस हो जाता है, अच्छी खुशबू देती है ये तेल में भुनने पर। तो ये हमने हमारी कसूरी मेथी को भून लिया है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च। ये हमने डाली 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च भी हम तेल में ही डालेंगे पहले, ताकि हमारी सब्जी में बहुत अच्छा कलर आए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 टमाटर की प्यूरी है। 4 टमाटर को हमने ब्लेंड कर दिया था। ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1.5 स्पून सॉल्ट, 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है। इसके बाद 1/4 टीस्पून ट्यूमरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 1.5 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना ज़्यादा आप अपनी सब्जी को भुनेंगे उतनी वो फ्लेवर देगी, उतना ही वो टेस्ट देगी। तो हम इस सब्जी को अच्छे से भुनने वाले हैं, अच्छे से इसे पकाने वाले हैं। ये अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करके एक प्लेट ढककर सिम पर, लो आंच पर हम इसे ढककर, प्लेट ढककर रख देंगे। ये 10 मिनट्स के बाद हम देखते हैं हमारी सब्जी में थोड़ा सा तेल निकला है
ओके, थोड़ा सा तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ ऑफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी सब्ज़ी का कलर और भी अच्छा आएगा। और इसके साथ हाफ ऑफ टी स्पून किचन किंग मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। किचन किंग मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, टोटली योर चॉइस। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है 100 ग्राम खोया, जो फीका मावा आता है शुगर फ्री खोया वो लिया है हमने। शुगर फ्री खोया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस रेसिपी, ये बहुत ही नवाबी सा और थोड़ा रिच फ्लेवर देता है हमारी सब्जी में। 100 ग्राम हमने खोया लिया है, और इसके साथ ही हम लेंगे 30 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड पनीर, ये हमने 1/4 कप, अराउंड 1/4 कप हमने ग्रेटेड पनीर लिया है। इससे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोंट वरी, ये खोया हमारा वेजिटेबल में, हमारी ग्रेवी में थोड़ा स्वीट फ्लेवर नहीं देगा, बस ये थोड़ा सा रिच फ्लेवर देगा, सो ज़रूर ऐड कीजिए इसे। इसके बाद अब हम इस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे फिर से लो आंच पर प्लेट ढक कर थोड़ी देर भुनने देंगे। यह हमारी गैस की आंच हम लो कर देते हैं। ये थोड़ी देर हो चुकी है, अब देखिए हमारी ग्रेवी में कितना अच्छा ऑयल ऊपर निकल के आ गया है। वाह, अच्छे से भुन चुकी है हमारी ग्रेवी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप वाटर, 1/2 कप से थोड़ा कम डाला है अभी मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये मुझे थोड़ी और नीड लग रही है। वाटर की क्वांटिटी टोटली आप पर डिपेंड करती है, आप किस तरीके की ग्रेवी पसंद करते हैं, थिक और लाइट ग्रेवी पसंद करते हैं। अगर आप पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। टोटली मैंने 1/2 कप वाटर का यूज़ किया है यहाँ पर। ये अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। पानी हमने हमारी ग्रेवी भुनने के बाद ही डाला है, ग्रेवी पहले अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही आप पानी यूज़ कीजिए। अब हम फिर से इसे ढक्कन लगाकर पकने देंगे लो आंच पर, जब तक हम हमारे कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। ये हमारे कोफ्ते जो हमने तले थे उन्हें हम हाफ कट कर देंगे। ये देखिए, वाओ कितना अच्छा इसमें लुकिंग आया हमारे कोफ्तों का, बीच में से जो पनीर का येलो टेक्सचर एंड ऊपर से आलू और ब्रेड का जो वाइट टेक्सचर है, एकदम एक का लुक दे रहा है। बट आई एम वेजिटेरियन, दैट्स वाई मैं एक प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। ये देखिए हमारा ऑयल कितना अच्छे से, हमारी सब्जी का ऑयल बाहर आ चुका है, वो पूरी तरीके से सब्जी भुन चुकी है। बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं मसाले के, कसूरी मेथी एंड मच मोर, जो ग्रेवी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, किचन किंग मसाला, गरम मसाला। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा धनिया गार्निशिंग के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, एक बाउल में इसे हम सर्व कर लेंगे इस तरीके से। अब हम ऊपर से हमारे कोफ्तों को डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हमारे कोफ्ते दिखने में बहुत सुंदर है, तो मैं इसे ऊपर से डेकोरेशन में दिखाऊंगी। इस तरीके से थोड़ा सा पुश करके इसे ग्रेवी में दबा दूंगी, ताकि ग्रेवी का फ्लेवर भी कोफ्तों में आ जाए। ये इस तरीके से मैंने अपने सारे कटे हुए कोफ्ते हमारी ग्रेवी में रख दिए हैं। ऊपर से मैं इसे गार्निश करूँगी फ्रेश क्रीम के साथ। ये हमने लिए फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं चाहे तो आप ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये फ्रेश क्रीम के साथ डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटा हरा धनिया। ये हमारे वेज नरगिसी कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं, लुकिंग यम ना। तो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।